आप मुझे ये रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दीजिए। हाँ हम जरूर सर, शाम तक हम आपको भेज देंगे। आपका जो प्रोग्राम है आप लोगों का, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं सुमन राय चौधरी हूँ, सेक्रेटरी और प्रवक्ता बंगाल कांग्रेस। और आज का जो यात्रा है ये सिर्फ आज का नहीं है, 25, 26 और 27 तारीख तीनों दिन से चल रहा है ये यात्रा। हम लोग का प्रदेश कांग्रेस का सभापति सांसद अधीर रंजन चौधरी के लीडरशिप में ये 3 दिन का न्याय यात्रा चल रहा है। ये न्याय यात्रा का कारण है जो वर्धमान में तुहिना खातून, अनीस खान और सबसे बड़ा जो हादसा हुआ है बंगाल में, जो नरसंहार हुआ है रामपुर हाट में, उसी के चलते न्याय मांगने के लिए अदालत के तरफ से। और बंगाल में जो शासन चल रहा है, जो पुलिस को दबाया जा रहा है, पुलिस को तृणमूल कांग्रेस का वर्कर बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ, उसके प्रतिवाद में हम लोग का ये न्याय यात्रा। हम लोग के नेता कांग्रेस सभापति अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में 3 दिन से ये यात्रा, आज आखिरी दिन है। आज का ये यात्रा जाके गांधी मूर्ति में ख़त्म होगा। 25 तारीख से शुरू हुआ अमता से, जहां अनीस खान का घर है। अनीस खान के सिवा वर्धमान का तुहिना खातून और सबसे बड़ा हादसा और भी हुआ है रामपुर हाट कांड, उसी के प्रतिवाद में, उसी के प्रोटेस्ट में यह न्याय यात्रा है। तुहिना खातून का क्या मामला है? ऑपरेशन खून, पुलिस इनएक्टिवनेस ऑफ पुलिस और आखिर में जान जाना। बंगाल में जो भी प्रतिवाद करे, जो भी लड़ाई करे, पॉलिटिकल लड़ाई करे, उसका जान चले जाना कोई नया बात नहीं है। वही हुआ है वर्धमान में, वही हुआ है रामपुर हाट में। ऑफकोर्स रामपुर हाट का मामला कुछ अलग है, खान पान का मामला है, बाली कोयला और बहुत सारा मामला जुड़ा हुआ है रामपुर हाट से। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है, आठ जान चला गया, ये सबसे दुखद घटना है उसी के प्रतिवाद में। और आप लोग जानते हैं अनीस खान का खून कैसे हुआ था, पुलिस कैसे जुड़ा हुआ था, ये सब मिला के ये न्याय यात्रा है अधीर रंजन चौधरी जी के नेतृत्व में, जो शुरू हुआ था 25 तारीख को। आज 27 तारीख गांधी मूर्ति में अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व